It happened to me because of Mr. Sunil Shetty. Actually, I was doing commercials before. Commercials काफ़ी किए हैं. उसके बाद वन आर स्टोरीज शुरू की करनी, जैसे रिश्ते और थ्रिलर एट टाइम. एंड आफ्टर दैट उसके बाद मैं सोच रहा था मुझे अगला क्या करना है, तो आई थॉट दैट लेट्स ट्राई इन टू फिल्म्स. मगर मुझे ये नहीं पता था कि कैसे जाया जाएगा और कैसे करा जाएगा और कैसे मिला जाएगा लोगों से. तो आफ्टर दैट आई वॉज सीटिंग विद अ फ्रेंड कॉल्ड डॉक्टर जितेश शेट्टी. हिज क्लिनिक इज इन लोखंडवाला. सो वी वर डिस्कसिंग थिंग्स कि कैसे करा जाए, किससे मिला जाए, हाउ टू गो अबाउट थिंग्स इन फिल्म इंडस्ट्री. सो ही टोल्ड मी दैट मिस्टर सुनील शेट्टी, ही इज़ अ हेल्पफुल गाय एंड ही हेल्प्स पीपल एज स्पेशली द न्यू कमर्स. सो आई विल ट्राई टू अरेंज अ मीटिंग ऑफ यू एंड मिस्टर सुनील शेट्टी टुगेदर. आई डोंट नो हिम पर्सनली, ही टोल्ड मी, बट आई नो हिम थ्रू अ फ्रेंड कॉल्ड डॉक्टर प्रकाश भंडारी. ही इज एन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट. सो थ्रू हिम, through Prakash Bhandari, I met Anna as Mr. Sunil Shetty. And I don't know how did he see one hour story of mine, one story, I don't know. I didn't ask him also. So he really liked it that time. So उन्होंने आगे से बोला कि आपका काम मुझे बहुत अच्छा लगा. उन्होंने पिक्चर्स देखी, तब वो पॉपकॉर्न खोल रहे थे, कंपनी पॉपकॉर्न करके है जो अभी भी है. तो उसका एक सेक्शन था सेलेब मैनेजमेंट करके. तो उन्होंने मुझसे पूछा आप ज्वाइन करना चाहेंगे? मैंने कहा ऑफकोर्स आई लव टू ज्वाइन इट. तो इस तरह उन्होंने मुझे मिस्टर रवि देवान से मिलाया और मिस्टर रवि देवान के थ्रू मुझे फिल्म मिली. आज उन्होंने छोटा सा स्क्रीन टेस्ट लिया और स्क्रिप्ट सुनाया और इस हिसाब से मुझे ये मतलब फिल्म मिली. फिल्म का कुछ बताइए, किस तरह की फिल्म? इट्स बेसिकली ऑन अंडरवर्ल्ड, हाउ रिलेशंस आर इफेक्टेड बिकॉज ऑफ अंडरवर्ल्ड. लाइक रिलेशंस बिटवीन मी एंड प्रीति, रिलेशंस बिटवीन मी एंड अन्ना, रिलेशंस बिटवीन मी एंड आशुतोष और सुनील एंड एज सुनील शेट्टी एंड आशुतोष राणा. सो एक अंडरवर्ल्ड की वजह से एक फैमिली पे क्या बीतती है उसके बारे की, मतलब उसके बारे में ये कहानी है. मैं उसके बारे में इतना नहीं बता सकता, बट सुनील एंड आई बेसिकली वी आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स, बचपन के दोस्त हैं. और एक ही ये अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड है, तो मैं उनके साथ जाके ज्वाइन करता हूँ. और इसके अलावा अभी इस तरह मैं कुछ नहीं बोल सकता इससे ज़्यादा. किस तरह का एक्सपीरियंस था यू नो पूरा एक फिल्म करना? पहले तो कमर्शियल्स किए थे. हाँ जी. अब एक फिल्म का एक्सपीरियंस किस तरह? इट वॉज़ रियली एक्साइटिंग. जो पहले दिन मुझे याद है कि शूट पे जाने से पहले मेरे को लूज मोशन हो गए थे एज इन नर्वसनेस की वजह से, कि जाऊँगा कैसे परफॉर्म करूँगा. पहला शॉट है, 200 लोग होंगे सामने खड़े होके और डायलॉग्स बोलने हैं सुनील शेट्टी के साथ. तो थोड़ा सा नर्वसनेस हो गई थी. मगर जब मैं सेट्स पे पहुँचा तो रवि देवान, मिस्टर सुनील शेट्टी, दे हेल्प मी अलॉट. तो मैं जैसे बता रहा था, तो मेरे को पहले दिन लूज मोशन हो गए थे. तो मगर जब मैं सेट्स पे पहुंचा तो मिस्टर सुनील शेट्टी और मिस्टर रवि धवन, दे हेल्प मी अलॉट. दे टोल्ड मी कुछ नहीं होता, जितने टेक्स लेने हैं लीजिए, मगर आप काम करो ध्यान लगा के, बाकी कुछ मत सोचो कि होगा कि नहीं होगा. एंड दैट रियली हेल्प मी. और इस तरह मगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ और एक टेक में ज़्यादा से ज़्यादा दो टेक्स में सब चीज़ें हो गई. सो इट वॉज़ रियली ग्रेट. किस तरह लगा सुनील शेट्टी के साथ काम करके? I knew Anna from before, as in I told you, because of his company. So, उनके साथ वो रिलेशन नहीं था कि जैसे कोई बहुत ही सीनियर आदमी के साथ काम कर रहे हैं. ही टुक मी एज हिज यंगर ब्रदर. तो उन्होंने काफ़ी पहले ही बोल दिया था मुझे कि गौतम कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सेट्स पे, मैं ही हूँ यार. तो हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, तो इतना वो नहीं है कि मैं एक स्टार हूँ और तू न्यू कमर है, वैसा कुछ नहीं. तो और वैसा ही हुआ और केमिस्ट्री बहुत अच्छी आई दोनों की स्क्रीन पर. आपके एक्शन बहुत अच्छा है और बाकी एक्शन के अलावा इट रिवॉल्व एज इन दे आर डिफरेंट थिंग्स इन द फिल्म. एज इन कॉमेडी इज ऑल्सो देयर, रोमांस इज ऑल्सो देयर, इमोशनल सीन्स आर ऑल्सो. तो मतलब इट्स अ मिक्सचर ऑफ एवरी थिंग. इट्स अ प्रॉपर कमर्शियल मसाला फिल्म एंड बट द एक्शन इज रियली गुड, माइंड ब्लोइंग, आई कैन से दैट. फिल्म का म्यूजिक मासेस के लिए है. मतलब अपर स्टॉल वाले आगे बैठ के सीटी ज़रूर बचाएंगे, इतना मैं कह सकता हूँ. अब इतना नहीं कह सकता कि बालकनी वाले इतने एंजॉय करेंगे कि नहीं करेंगे, बिकॉज मोस्टली आइटम नंबर्स हैं. और मगर अपर स्टॉल वालों को मासेस जैसे ऑटो रिक्शा, टैक्सीज और मतलब जितने भी जो फिल्म बनाते हैं, मतलब एक फिल्म को हिट करवाते हैं, उनको बहुत पसंद आएगा. फिल्म रिलीज इज नॉट वेरी फार ऑफ. पता नहीं क्या, फिल्म बहुत ही पास है. एज इन फर्स्ट को रिलीज़ करने का सोच रहे हैं और शायद कर भी रहे हैं. तो अंदर से एक्साइटमेंट भी है, नर्वसनेस भी है कि कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा, लोग पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो कितना करेंगे, मुझे पसंद करेंगे फिल्म में या पिक्चर को ज़्यादा पसंद होता. मतलब इट्स काइंड ऑफ आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनीथिंग मच टू से अबाउट दैट, बिकॉज
I'm kind of excited also and nervous also at the same time. From your own, you know, how do you plan to lead yourself into more films and planning? Nothing planned as yet. It depends on the film a lot. It depends on this film a lot, as in because I'm not from a film background. I don't have a godfather also. So I don't know how to go about it after this, but I'm hoping a lot out of this film. So let's see how it works.